का भाई स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में रफ्तार के। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ला के बारे में। दोस्तों पहली बात तो मैं बता दूं, टेस्ला एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई प्लग इन हाइब्रिड आपको इसमें नहीं मिलता है। जैसा कि प्लग इन हाइब्रिड का मतलब दोस्तों पेट्रोल के साथ एक इलेक्ट्रिक कार, यानी कि जब आप चाहो तो उसको इलेक्ट्रिक मोड पर चला सकते हो, जब आप चाहो इसको पेट्रोल मोड पे चला सकते हो, तो ऐसा ही इसमें नहीं मिलेगा दोस्तों। ऑटोमेटिक आपको बता दूं दोस्तों, फुल्ली ऑटोमेटिक आपको पता है, आपको बस ऑटो सेटिंग या ऑटो पायलट पे लगाना है और गाड़ी अपने आप चलने लगती है, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में। सबसे पहले ये मेरे कर्नाटका बेंगलुरु में आई। जी हाँ दोस्तों, लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, तो मैं पहले बता दूं दोस्तों मैं एक स्टूडेंट हूँ, जो मैं रहने वाला यूपी 50 का हूँ, पर दोस्तों मैं पढ़ाई करता हूँ कर्नाटका बेंगलुरु में। अगर दोस्तों आप कर्नाटका से हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर KA ज़रूर लिखिए, और अगर आप यूपी से हैं तो दोस्तों UP OP जरूर लिखिएगा दोस्तों। दोस्तों अब टेस्ला के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, टेस्ला है क्या। टेस्ला दोस्तों गाड़ी बनाने वाली तो वैसे बहुत कंपनी है, पर फ्यूचर की गाड़ी बनाने वाली टेस्ला है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि आपको दोस्तों इसमें ऑटो पायलट मोड मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको बस करना है यहाँ पर मैप खोला, डेस्टिनेशन डाला एंड डन, गाड़ी आपको अपने आप लेके जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो में हाईवे पे भी गाड़ी आराम से चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बावजूद दोस्तों 0 to 100 मात्र 3 सेकंड में ये कवर करती है दोस्तों, और एक बोइंग 787 को खींच सकती है दोस्तों, आपको बता दूं मैं। तो आप देख सकते हो इसके मोटर में कितना पावर है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दिया दोस्तों, टेस्ला एक फ्यूचर जीनिक कार है दोस्तों। अगर आपको गाड़ी में खाना है तो भी आप खा सकते हो दोस्तों। सेफ्टी की बात करेंगे तो ये A1 सेफ्टी के रेटिंग्स में आती है दोस्तों। काफ़ी जगह इसके सेफ्टी रेटिंग्स चेक किए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों। जब नितिन गडकरी जी ने कहा कि टेस्ला 2021 में ऑपरेशन इंडिया में शुरू करेगी दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। पर एक और चीज़ से मैं बता दूँ, मैं थोड़ा सा निराश भी था कि प्राइस कितनी रहेगी। तो दोस्तों प्राइस के बारे में भी बता दूँ, ये तो एक मेरा अनुमान है। टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी है टेस्ला मॉडल 3 दोस्तों, जिसका US में प्राइस है $38,000 दोस्तों। अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 28 लाख रुपीज़ के कैप पर आपको ये इंडिया में भी इतने की मिलेगी तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी CBU यूनिट रहेगी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दोस्तों इंडिया में इसका प्राइस लगभग 60 लाख रुपये रहेगा। और क्या आपको पूरे फंक्शन मिलेंगे इसमें यूज़ करने को, तो उसके बारे में भी अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये गाड़ी इंडिया में इतनी महंगी क्यों आएगी, अगर ये US में सिर्फ 28 लाख में मिलती है तो इंडिया में इतनी महंगी क्यों। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, ये पूरी CBU यूनिट रहेगी, यानी कम्प्लीटली बिल्ड अप, यानी कि गाड़ी वहाँ से सीधी यहाँ पे इंपोर्ट की जाएगी, जिसका प्राइस और टैक्स वैक्स लगा दें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी ये आपको। अगर दोस्तों आप कोई भी CBU यूनिट वाली व्हीकल लेते हो दोस्तों, यानी कि आप डायरेक्ट विदेश से इंपोर्ट कराते हो, तो आपको दोस्तों इसमें 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, यानी कि प्राइस डबल हो जाता है। तो दोस्तों सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है हम आपका इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे, पर आपको वहाँ से पार्ट लाना होगा और इंडिया में असेंबल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी हिसाब से लैम्बर्गिनी फरारी जो भी होते हैं वो सब ऐसे ही आते हैं दोस्तों। और इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि अनएम्प्लॉयड कम रहेंगे, क्योंकि जॉब्स के अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये गाड़ी बनती कहाँ है, तो दोस्तों ये गाड़ी बनती है चाइना में। जी हाँ दोस्तों, ये एक चाइनीज़ कार है। और क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपको लिथियम के माइंस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है और मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर इसीलिए किया जाता है टेस्ला का। अब दोस्तों आप में से सोच रहे होंगे लिथियम का इसमें क्या रोल है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी चाहिए होती है दोस्तों वो लिथियम आयन की बैटरी रहती है, जिसका चाइना में दोस्तों 6th लार्जेस्ट रिज़र्व है। इसलिए दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा EV व्हीकल्स को प्रमोट करती है, और वहाँ पर EV व्हीकल्स इसलिए काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और सस्ते भी होते हैं। भारत के पास इतने ज़्यादा लिथियम के सोर्स तो है नहीं दोस्तों, तो इसका मतलब कभी ना कभी और कहीं ना कहीं से तो आपको लिथियम इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा दोस्तों। ये टेक्नोलॉजी नई है दोस्तों, और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी है दोस्तों इसमें। आपको एक बात बता दूँ, बैटरी प्रोड्यूस करते समय जो एनवायरमेंट को होने वाला डैमेज दोस्तों ICE व्हीकल से ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पोल्यूशन नहीं फैला रहे, क्योंकि आज भी हमारे भारत में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, जो खुद एक पोल्यूटेड है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल भी 100% क्लीन व्हीकल नहीं है, बट पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
तो आप ये सोच रहे होंगे फिर हम ईवी क्यों लें। तो दोस्तों ईवी अगर आप लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लास्ट ईयर दोस्तों हम लोग 7,28,112 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराए थे हमारे देश भारत में। दोस्तों अगर आप ईवी खरीदेंगे यानी कि ईवी की सेल ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं वो कम होगा दोस्तों, और हमारे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा हमारे देश भारत के लिए ज़रूरीमंद बन जाती है। और टेस्ला के आने से दोस्तों एक और बड़ी खबर आएगी, अगर टेस्ला हिट होती है तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो क्या पता हमारे देश की कंपनी टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड अगली टेस्ला जैसी कार बना दे तो हमें किसी बाहरी कंपनी की गाड़ी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाटा नेक्सॉन ईवी दोस्तों, जो कि आपको पता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वो टेस्ला जितनी फ्यूचरिस्टिक तो नहीं पर हमारे इंडियन मार्केटिंग और इंडियन कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और अफोर्डेबल कार है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस फैमिली में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। और फोर व्हीलर चाहते हो सीट बेल्ट, टू व्हीलर चाहते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए। साइनिंग ऑफ।